प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैसलमेर के लौंगेवाला पोस्ट पर जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। लौंगेवाला पोस्ट ये वो पोस्ट है जिसका जिक्र भर आने से पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं और इस पोस्ट से आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक तस्वीर जवानों के साथ पूरे देश का जोश हाई करने वाली है। अर्जुन टैंक पर प्रधानमंत्री मोदी का अंदाजे बयां ही कुछ और है। किसी भी दुश्मन देश के होश उड़ा सकता है। प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ हिंदुस्तान का जय घोष किया जिसकी गूंज बॉर्डर पार तक सुनाई दी होगी। तो लौंगेवाला पोस्ट से आज प्रधानमंत्री ने ना केवल जवानों का पराक्रम का संदेश दिया बल्कि चीन और पाकिस्तान को भी साफ और सीधे शब्दों में दो टूक कहा। प्रधानमंत्री ने दुश्मन देशों को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से क्लियर कर दी। कहा, अगर भारत को किसी ने आजमाया तो जवाब प्रचंड मिलेगा। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य का लक्ष्य है सरहद पर शांति। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। साथियों, देश की अखंडता देशवासियों की एकता पर निर्भर करती है। शांति, एकता, सद्भावना देश के भीतर देश की अखंडता को ऊर्जा देती है। सीमा की सुरक्षा सुरक्षा बलों की शक्ति के साथ जुड़ी है। सीमा पर हमारे जाबाजों का हौसला बुलंद रहे, उनका मनोबल आसमान से भी ऊंचा रहे, इसलिए उनकी हर आवश्यकता हर जरूरत आज देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उनके परिवार की देखभाल ये देश का दायित्व है। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है न टोक भी सकता है। साथियों, दुनिया का इतिहास हमें ये बताता है कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहे हैं, वही राष्ट्र आगे बढ़े हैं जिनके भीतर आक्रांताओं का मुकाबला करने की क्षमता थी। अगर आज का दृश्य देखें, भले ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना ही आगे क्यों ना आ गया हो, समीकरण कितने ही बदल क्यों ना गए हो, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है, सजगता ही सुख चैन का संबल है, सामर्थ्य ही विजय का विश्वास है, सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। साथियों,
जब भी जरूरत पड़ी है भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। हमारी सैन्य ताकत, उसने आज हमारे नेगोशिएटिंग पावर को भी अनेक गुना बढ़ा दिया है, उनके पराक्रम से बढ़ा है, उनकी संकल्प शक्ति से बढ़ा है। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बन रहा है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारत का ये रुतबा, ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण ही है। आपने देश को सुरक्षित किया हुआ है, इसलिए आज भारत वैश्विक मंचों पर प्रखरता के साथ अपनी बात रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पाकिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान को क्यों दिलाई बैटल ऑफ लोंगेवाला की याद, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।